हाँ जी गाइस देख सकते हैं मेरी ईदी इकट्ठी हो चुकी है, जिनमें से मेरा 1 रुपया भी नहीं अबू ने ईदी दी मुझे तभी भाई अभी वाली बार की तरफ खेल रहे हैं वहाँ बैठी ही आज है मेरा दोस्त देते क्या ना भाई कल कल ये बाप बैठे थे आज मुंह ही कर सुन लगा भाई क्या यार इतना प्यार लग रहा है ईद में कितना प्यार लग रहा है भाई तो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय अदर व्लॉग। तो क्या हाल है सर बहनों का भाइयों का सीन है कभी भाई सुबह उठा हूँ नहाया धोया हूँ नहाया तो भी नहीं हूँ नमाज पढ़ी है 6:30 हो गए हैं अभी 7:30 बजे जमात है ईद की नमाज जमात है तो अभी यार चलता हूँ ऊपर ऊपर का जाता हूँ चार्जिंग दिखा लिया मोबाइल में चार्जिंग फुल हो गया अलहमदिल्ला शुक्र है लाइट थी लगा दी सुबह सुबह जा गया था ना अभी चलता हूँ ऊपर तो मम्मी कहता हूँ पानी तो ठंड बहुत है यार सुबह को ठंड हो जाती है पानी गर्म यार मुझे नहाने दिल नहीं करेगा देखता हूँ गर्म पानी गर्म मिला तो नहा के फिर कपड़े पहन के चलेंगे ईद पढ़ने ठीक है आज ईद है आप सबको पता ही है ठीक है तो मस्जिद अभी देखो जी नाते पढ़ने शुरू हो गए हैं अभी चलते हैं तो कपड़े चेंज करते हैं कपड़े चेंज करके क्या शर हो के फिर आपको मिलते हैं ठीक होते हैं भाई सुबह सुबह ये क्या खाई घुमाई जा रहे हैं ये तो जी ओके जी नाफिस क्या भाई किसको देने जा रहा है ये भाई आस पास परोसियों देना चाहिए सुबह यहाँ पे गांव में होता है ना आस पास परोसियों सारे बांटते हैं हमारे वहाँ पे क्या होता है जी एक घर से दूसरे घर में देंगे बस इतने मल्ले होते हैं ये सीन होता है मतलब मुझे में दो सही रहता है हमारे ये ना इधर ना पूरे जितने घर घर इतने होते नहीं हैं वैसे भी बांट देते हैं एक दूसरी चीज़ें बांटते हैं अभी चलता हूँ नहाता धोता तैयार होता है ईद की तैयारी करते हैं फिर आगे मिलते हैं तो हाँ जी भाई लगा अभी आगे भाई तैयार हो चुका है ईद की तैयारी कर चुके हूँ ठीक है चेक कर सकते हो खाओ कैसा लग रहा हूँ नीचे से ऊपर तक क्या लग रहा हूँ कि लग रहा ठीक है अभी चलते हैं ईद नमाज पढ़ने टोपी भी मेजे में डाल दी है रास्ते में जाकर टोपी पहन लेंगे माशा भी तैयार हो चुके हैं जैकेट अभी चलते हैं ठीक है ईद की नमाज पढ़ने जाना है बाइक पे जाएंगे क्योंकि दूर है थोड़ी मस्जिद गाँव में ठीक है तो हाँ जी बाबा जी अभी ईद नमाज पढ़ ली है ठीक है जी अभी घर जा रहे हैं अभी इसकी घर जा रहे हैं इसके घर जा रहे हैं ये इसके अबू हैं ये बेटे को साथ जा रहे हैं अबू के दोस्त जा रहे हैं तो वहाँ से ईद पढ़ ली अभी घर जा रही है अपने अपने भाई सारे ईद पाड़े घर में बैठे हैं अभी भाई तो हाँ जी भाई आप लोग मैं ईद मुबारक करना भूल ही गया यार तो आप सबको भाई मेरी तरफ से ईद मुबारक ठीक है अभी सारे मेहमान आए हाथ मिलते चलते हैं ठीक है स्वागत करते हैं तो कंगी जी मार टोपी पहनी हुई है बाहर से सेट कर लेते हैं खाना खा खा चुके हैं ठीक है जी ये देख करें जी बाबा ये गीत खाता हूँ बाहर आ गए नहीं है गंजा है मेरे चाचू हैं ठीक है जी जो गाँव रहते हैं दूसरे चाचू हैं वो चाचू चाचू इधर चाचू ए जिसे मेरे चाचू ये हैं सब छोटे चाचू ये हैं और ताया और कदम चले गए हैं अभी कब्र पे जाने गए हैं दुआ शक करने दादा ही कब्र पे जाने गए हैं चलो चलिए जी भाई कल ये बाप बैठे थे आज मुंह ही कर सुन लगा भाई क्या यार इतना प्यार लग रहा है ये कितना प्यार लग रहा है भाई आप जी पजामा पहना हुआ है कपड़े सामने ठीक है वहाँ पे जाके दुआ से मांगते हैं अबू सारे आगे जा रहे हैं एक और दूसरा कजन है इसने बाद आपने देखा ही शेब वो अभी तक आया नहीं है वो गए हुए आते हैं अभी वो उसमें मनाता हूँ आपको आ चुके हैं ठीक है कपड़े हैं कब्रिस्तान है सारा सारे यहाँ के कपड़े हैं चलो दुआ से मांग ले अभी चलते हैं घर ठीक है आए मैं अबू जी सलाम तो ईद मुबारक आपको ईद मुबारक जी तमाम हजरात को चलते हैं अभी घर ठीक है सबको ईद मिलते हैं यहाँ पे ईद मिल मिल के थक गया हूँ अभी भाई अभी चाचू के साथ आ चुका हूँ नीचे अपने घर ये मेरा अपना घर है ठीक है ऊपर कबूतर है और ये चाचू का बेटा है जवान तो कुत्ता है छोटा बच्चा
कौन यरा खान जी भाई, ये मिलते हो रही हैं आज। ये देखे भाई, भाई ऐसे आप ही मिलाया, ये क्या कदर आया हुआ है। अब पढ़ा भी यहीं पढ़ा ਉਨੀ ਸਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾ ਛਿੱਕੇ ਫਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਭੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਐ ਅਸਾਂ ਕਾਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੈਮ 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 ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਨਾ ਇਹ ਜੋਗਰ ਟੇਬ ਭਾਈ ਕਾੜਾ ਹੈ ਕਮਰਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਅਭੀ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਤੇ ਹਾਂ ਆਪਕੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਠੀਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਅਮਾਏ ਆਪੇ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਾਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਛੂਸ਼ਕ ਸੈਂ ਜੋੜੇ ਆ तो भाई भी कोई जाजू इस बात से आ चुकी हैं ठीक है ये अभी आए हैं और यहीं का बेटा है अस्सलाम वालेकुम इधर क्या है साहब को सुना चाचू ये साहब को पता नहीं क्या है चलो बेचारा हाँ जी गाइस देख सकते हैं मैं ईदी इकट्ठी हो चुकी है जिनमें से मिले कितनी ईदी है तो भाई अभी इस तरह से हो गए हैं अभी चलते हैं ऊपर ठीक है शाम को इंशाल्लाह कहीं भी चलेंगे और जा रहे हैं हम जा रहे हैं ऊपर गाँव ठीक है तो यूं मन नहीं आया कजन उसके चार उसके घर जा रहे हैं ठीक है सुबह मान है चल शुक्र जा रहे हैं तो चलते हैं शाम को इंशाल्लाह फिर कहीं कहीं दिखाएंगे यार गर्मी है ना यार दिख रहे बाहर जाने से नहीं करता कौन की बात अभी वीडियो एडिट की है अभी बाहर चार्जिंग फुल हो गई है अभी एडिट करके पोस्ट करते हैं आप साथ में चार्जर भाई ऐसे चेक रहे चाचू अपने मोटे सारे बैठे ना जी बेटो है आपस आ भाई काफ वाले तो हाँ जी भाई लोग अभी आगे भाई ने खाना जो खा के नमाज पढ़ के अभी चलते हैं घर ठीक है तो शाम को भी इंशाल्लाह क्रिकेट खेलेंगे अभी थोड़ी रेस्ट करेंगे क्रिकेट खेलेंगे ठीक है फिर आगे मिलते हैं अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे अभी भाई यार सीन है कि ना मैं थोड़ी देर ना लाइफ आने का हूँ ठीक है इधर बैठ के फोकस है मेरा आने का तो लाइफ बैठते हैं फिर चलते हैं क्रिकेट खेलेंगे देख सकते हो मौसम भी ठंडा ठंडा हो रहा है फिर क्रिकेट खेलेंगे थोड़ी दी चीज़ देंगे तो हाँ जी भाई भी छत पे हैं ठीक है क्रिकेट तो कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश मौसम बना हुआ ठीक है ना तो दूसरा मेरा कज़न था वो चला गया वो जाने गया इस्लामाबाद वापस एक कबूतर भैया बैठे हुए हैं इस्लामाबाद वापस जाने गए चाचू के साथ ठीक है और ये जैसे तो पिंजरा शेर लगा हुआ है और वहाँ पर मेरे चाचू लोग ना वॉलीबॉल खेल रहे हैं इसके पीछे ना ठीक है वॉलीबॉल खेल रहे हैं अभी मैं आपको जाके चेक कराता हूँ ठीक है थोड़ी देर तक और ये चाचू जाने गए गाड़ी ये चाचू की गाड़ी अभी तैयार हो गई अभी चलते हैं चाचू जाने के वापस पिंडी अभी मैं बैग की बैटरी का मैं चार्ज लगाता हूँ थोड़ी बैटरी हो जाए फिर आपको वहाँ पे दिखाता हूँ वॉलीबॉल खेल रहे हैं फिर चलते हैं मामू लोग के घर जाऊँगा वहाँ पे कसम कह रहे हैं यहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे कसम कह रहे हैं ठीक है तो वहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर बातचीत करेंगे फिर उधर मतलब रहूँगा अब यहाँ पर कोई नहीं है चाचू चलेगी यहाँ भी चाचू होगी एक होगा पर चाचू मज़ा नहीं है चाचू अपने लगा रहता है ना जो कज़न होते हैं ना अपने अपने होते हैं ना कि अपने साइज़ के बंदे अपने जितने उनके साथ मज़ा आता है अभी ये ताया आए हैं मेरे ठीक है अभी ये ना नीचे चलते हैं मोबाइल चार्जिंग करते हैं क्या तक क्रिकेट खेलने या नहीं खेलने कोई पता नहीं है फिलहाल अभी बारिश आ गई है ठीक है तो अभी मैं क्रिकेट फुटबॉल वाली बात अभी गए थे तो बारिश हुई वापस आ गया मोबाइल चार्जिंग हो गई थी थोड़ी बहुत ही लाइट चली गई है भाई बहुत तेज़ हो चुकी है बारिश देख सकते हैं भाई साहब बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार बाबा जी चेक कर सकते हो व्यू पता चला कि बारिश हो रही है ये देख सकते हैं भाई गांव में भी बारिश हुई तेज शुरू हो चुकी है देख सकते हो इससे भाई रुक गया हूँ यहीं पे क्या क्या है क्या क्या पड़ा है ओ पता नहीं काड़ा ने दसी रहा यहाँ पे पैर में हम रहता था ठीक है यहाँ बारिश हो रही थी भाई तेज़ बारिश यहाँ खेलते थे हम भाई अभी छोटे छोटे होते थे यहाँ खेलते थे अभी फैमिली में वो खा नहीं सकता तो चाचू ये तो क्या हाल है चाचू नहीं अल्हम्दुलिल्लाह भाई लोग बारिश रुक चुकी है मुझे नींद आ गई मैं आँख लग गई थी तो बारिश रुक चुकी है चाचू लोग खेलने चले गए दोबारा अभी मैं भी वजू करके नमाज पढ़ के
मैं भी खेलने चलता हूँ, दोस्त भी एक आया हुआ है, उसने मैसेज किया आना, तो अभी पानी से पीते हैं, नमाज पढ़ के चलते हैं उधर ही, कपड़े चाय करते हैं, देखते हैं कपड़े चाय करूँ या करूँ कुछ, देखता हूँ। ठीक है भाई, नमाज पढ़ ली, भी चलते हैं। ठीक है, तूफान फिर आ गया, ये बारिश शुरू हो गई है, देख सकते हो, मतलब तूफान फिर तेज़ हो गया है आस्ता आस्ता, तो अभी चलते हैं, नज़ारा बहुत प्यार है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी वाली बार की तरफ कह रहे हैं, वहाँ बैठी आज है मेरा दोस्त थे ना भाई मामू कर ठीक है, मगर टाइम नमाज पढ़ते भी यही टाही वगैरह लेके उन्हें मारता हूँ, देखते डराता हूँ उनको। भाई ड्राइव जाएगी कि मिस हो गए दोनों बात इस वजह से, उधर ना जो कदम ना उधर कदम गाड़ा ना उधर जा छुप के मारूंगा, देखें फैन करूंगा इनके साथ। ठीक है, अभी नमाज टाइम हो गया, नमाज पढ़ने जाते हैं मगरिब की। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको। लाइट भी है, रोला भी है, क्या है लाइट भी है यार। तो हाँ जी भाई लोग, अभी मैं सुबह रात को जल्दी सो गया था, व्लॉग एडिट नहीं किया था, अभी उठाऊँ। ठीक है, व्लॉग एडिट करना है, कल भाई वीडियो बनाता है। अभी सेकंड ईद का ब्लॉग है ये, मैं कपड़े आम से पहन लेते हैं, गांव है ना, तो यहाँ पे मैंने पिछले साल कपड़े पहन लिए, पिछले ईद पे जो लिए थे, न्यू ईद के सेकंड डे के थे ना, वो मैंने इसलिए नहीं कराए क्योंकि वाइट कपड़े हैं, वो भी वाइट शलवार है, ऊपर कमीज वो दूसरी है ना, तो कुर्ता और शलवार है, पर यहाँ पे गाँव है ना, यहाँ पे गंदा ना हो जाए, बारिश हुई है ना रात को इस वजह से, तो मैं रात को जैसे जल्द आया हूँ सो गया हूँ। ठीक है, नमाज भी नहीं पढ़ी, सो गया हूँ, और अभी उठाऊ नहाया मोया हूँ, तो अभी मैंने कहा चलो फिर आप यहाँ करते हैं, अगला ब्लॉग भी जा रहे हैं मछलियाँ पकड़ने, ये इसका ब्लॉग जो है ना ये नेक्स्ट डे आएगा, तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर मिलते हैं ना, सुनो तब तक।